हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं प्रशांत कनौजे। आज का हमारा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। इसका हम पार्ट वन ले रहे हैं। ये टॉपिक मैंने लिया है पीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट वन से, और ये एमएससी स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी टॉपिक्स है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड और न्यूट्रिएंट्स, और साइकिल का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो आइए देखते हैं ये केमिकल कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और अर्थ में कैसे सर्कुलेशन होता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए अनेक रासायनिक तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। ये रसायन जीवों के शरीर में पर्यावरण द्वारा प्रवेश करते हैं और विभिन्न मेटाबॉलिक क्रिया में भाग लेकर प्रोटोप्लाज्म का भाग बनते हैं और बिना चेंज हुए वातावरण में वापस आ जाते हैं। ये जो साइकिल है हमेशा चलते रहता है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोस्फीयर जल का चक्र, लिथोस्फीयर लैंड का चक्र और एटमॉस्फीयर एयर का चक्र तीनों मिला हुआ है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर इंक्लूडिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट आर रिफर्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। यदि इसी का हम हिंदी में अनुवाद करें, इस डेफिनेशन का हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होगा? पर्यावरण से पोषक पदार्थों का जीवों के शरीर में जीव द्रव के घटक के रूप में सम्मिलित होना तथा पुनः विघटित होकर बाहर वातावरण में विमुक्त होने की प्रक्रिया को बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ दोस एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड डेट आर एसेंशियल टू लाइफ कैन बी कन्वेंशियली डेजिनेटेड एज न्यूट्रिएंट साइकिल। ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहलाती है। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज सेवरल केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एक्टिविटीज। बायोस्फीयर में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे जल के अंदर हो, वातावरण के अंदर हो, या लैंड के अंदर हो, पृथ्वी के अंदर हो, उसको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है और सिंथेसाइज करके न्यू कंपाउंड के रूप में एसेंशियल जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो चलाता है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरीज है, एक गैसियस साइकिल है और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल्स है। तो यहाँ पर हम आज जो पहली स्लाइड में हमने देखा बायो जियो केमिकल साइकिल पार्ट वन, उस पार्ट वन में गैसियस साइकिल को स्टडी करेंगे या गैसियस साइकिल्स का वर्णन करेंगे, और पार्ट टू में सेडिमेंट्री साइकिल का स्टडी करेंगे। जो पहला पार्ट है गैसियस साइकिल्स के रूप में वो है नाइट्रोजन साइकिल। एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। एनिमल शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजन की सहायता से होता है, और एटमॉस्फेयर में, वायु में नाइट्रोजन लगभग 70% होती है। अतः नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत वातावरण की एयर होती है। एयर में नाइट्रोजन फ्री रूप में पाई जाती है। यह नाइट्रोजन सीधे पेड़ पौधों तथा जंतुओं द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया
जैसे मटर के पौधों की जड़ों की गांठों रूट नूडल्स जिसको कहते हैं में रहने वाले राइजोबियम बेसिलस तथा ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर की मुक्त नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में समर्थ होते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट आयंस में बदल देते हैं जिसे पौधे लैंड से ग्रहण करते हैं। पौधों से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणियों तथा उनसे मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंच जाती है। जल एवं भूमि में स्थित नाइट्रेट्स भी नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे नाइट्रेट्स का अवशोषण करके उन्हें अपने अंदर एमिनो एसिड्स तथा प्रोटीन में परिवर्तित कर लेते हैं। पौधों से ये भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं तथा उनसे मांसाहारी जंतुओं के शरीर में पहुँचते हैं। जो डेड पेड़ पौधे होते हैं जंतु के होते हैं के शरीर में स्थित नाइट्रोजिनस कार्बनिक पदार्थ तथा एस्क्रिटरी सब्सटेंस स्पेरोफिटिक बैक्टीरिया उसमें क्रिया करके नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात भूमि व जल में से ये नाइट्रेट्स पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं। कुछ जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में नाइट्रेट्स पर क्रिया करके उसे वायुमंडली नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये पार्ट था नाइट्रोजन साइकिल का। अब देखते हैं कि ये मुख्य क्रिया कैसे चलती है। इसमें सबसे पहले आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, ये कलर के हिसाब से आप डायग्राम में देखेंगे। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के पौधे होते हैं एवं अन्य कुछ पौधे होते हैं जो अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट्स के रूप में सॉइल से करते हैं तथा इस नाइट्रोजन से अनेक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ एवं प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। जब एनिमल्स एवं प्लांट की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, तो इनके शरीर के प्रोटीन तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ डीकम्पोजिशन हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है जिससे अमोनियम यौगिक अमोनियम कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। ये जो क्रिया है वो अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया जैसे बेसिलस रेमोसस बेसिलस वल्गेरिस तथा बेसिलस माइकाडिस द्वारा पूर्ण होती है। एरोबिक कंडीशन में अमोनिया प्राप्त होती है जबकि एनारोबिक कंडीशन में एमिनो एसिड्स का परिवर्तन एमिन्स तथा इससे संबंधित अन्य कंपाउंड्स में होता है। यह क्रिया प्यूट्रिफिकेशन कहलाती है। यह क्रिया सामान्यतः क्लोडिडियम जाति द्वारा संपन्न होती है। इसके पश्चात एयर में उपस्थिति में इनके ऑक्सीडेशन द्वारा अमोनिया बनती है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के यूरिन में उपस्थित यूरिया का डिकम्पोजिशन कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज जैसे माइक्रोकॉकस एवं प्रोटियस स्पीसीज द्वारा होता है जिससे अमोनिया मुक्त होती है। यह अमोनिया मिट्टी या जल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एसिमिलेशन की क्रिया द्वारा पौधों को पुनः प्राप्त हो जाती है एवं कुछ अमोनिया वायुमंडल में चली जाती है। तो ये प्रोसेस था अमोनिफिकेशन और एसिमिलेशन। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इस क्रिया में सॉइल में उपस्थित अमोनियम कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है जिससे नाइट्रेट्स बनते हैं। यह क्रिया बैक्टीरिया के कुल नाइट्रो बैक्टीरियसिस द्वारा होता है और ये दो स्टेप में पूरी होती है नाइट्रिफिकेशन। पहला है सॉइल में उपस्थित बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोमोनास नाइट्रोकॉकस, ये क्या करते हैं,
सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोसिफिकेशन। ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके पश्चात सॉइल में पाए जाने वाले दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रेबैक्टर नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करके उसे नाइट्रेट्स में बदल देता है। ये बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट्स में बदल दे रहा है। प्लांट की रूट में सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। प्लांट क्या कर रहा है? अपने रूट के द्वारा सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन का अवशोषण करता है, जो कि पौधों के शरीर में पहुंचकर अनेक मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कुछ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस तथा नोकार्डिया अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फंजाई की स्पीसीज है, पेनिसिलियम सिफेलोस्पोरियम अमोनिया को नाइट्राइट एवं नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ये प्रोसेस था नाइट्रिफिकेशन, और ये एसिमिलेशन के थ्रू प्लांट में जाता है और फिर वापस नीचे की ओर पहुंच जाता है। तीसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो क्रिया है, मिट्टी में उपस्थित जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बेसिलस सबटिलिस, ये क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया के फलस्वरूप सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट्स तथा अमोनियम कंपाउंड्स का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप गैसी नाइट्रोजन नाइट्रेट्स ऑक्साइड या स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में सॉइल से निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस क्रिया में नाइट्रोजन की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। किसके कारण? डीनाइट्रिफिकेशन के कारण। ये डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया है ये इसको एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। और नाइट्रोजन लिखा है यहाँ पर, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एयर में नाइट्रोजन फ्री अवस्था में पाई जाती है, ये यहाँ पर फ्री अवस्था में है। यह नाइट्रोजन सीधे ही पौधों द्वारा उपयोग नहीं ली जा सकती, इसलिए बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया एटमॉस्फेयर की स्वतंत्र नाइट्रोजन नाइट्रोजन पदार्थों तथा अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और ये बैक्टीरिया इन प्लांट और ये सॉइल बैक्टीरिया और किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। यह क्रिया सामान्यतः एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से होती है। प्लांट तथा जीवाणु नाइट्रेट्स का एंजाइम्स की सहायता से रिडक्शन करते हैं। प्लांट द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस तथा न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में काम आती है। बहुत से जो नाइट्रेट रिडक्शन कैसे होता है, बहुत से जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया ईस्ट एवं फिलामेंटस फंजाई नाइट्रिफिकेशन क्रिया द्वारा बने हुए नाइट्रेट्स को नाइट्रेट नाइट्राइट में तथा इसके पश्चात इसे अमोनिया में
रिडक्शन करते हैं। सॉइल में जो नाइट्रोजन की पूर्ति मनुष्यों द्वारा भूमि में खाद मिलाने से, चट्टान आदि से टूट टूट कर जल में मिलकर घुलने से भी होती है। इसके अतिरिक्त एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बादलों की बिजली चमकने से ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो वायु की ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में बदल दी जाती है। तो बिजली जो चमकती है उससे भी नाइट्रोजन बनता है। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो रेन वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रस तथा नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रस तथा नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल के साथ जैसे ही भूमि पर गिरते हैं, वहाँ ये कैल्शियम एवं पोटेशियम के यौगिक से क्रिया करके नाइट्रेट्स का निर्माण करते हैं। सॉइल से प्लांट के द्वारा ये नाइट्रेट्स जल के माध्यम से शोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। तो ये जो केस था ये था नाइट्रोजन साइकिल का। अब हम लेते हैं सेकेंड गैसियस साइकिल, जो है वो है कार्बन साइकिल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है, कार्बन साइकिल। कार्बन जो है जीवन का आधार होता है, बेस ऑफ लाइफ माना जाता है। जीवों के ड्राई वेट का लगभग आधा भाग कार्बन से बना होता है। यह प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स आदि का इम्पॉर्टेंट तत्व है। इन कंपाउंड्स के लिए आवश्यक कार्बन के मुख्य मेन स्रोत एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले प्रयोग जो है ग्रीन प्लांट द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। ये फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस क्रिया द्वारा एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में खाद्य पदार्थ में निर्माण होता है। तो सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके प्लांट जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। प्लांट से ये जटिल कार्बनिक यौगिक भोजन के रूप में प्राणियों के शरीर को प्राप्त होते हैं, जो इन्हें डाइजेस्ट कर साधारण कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ये यहाँ से कहाँ जाता है, एनिमल्स के शरीर में चले जाते हैं। रेस्पिरेशन के समय प्लांट तथा जंतुओं द्वारा मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कार्बनिक यौगिकों के डीकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा जलीय तथा स्थलीय वातावरण में पुनः वापस हो जाती है। ये डीकम्पोजिशन होता है, इधर से एनिमल का, इधर से प्लांट का, और ये नीचे की ओर स्थलीय वातावरण में पुनः वापस हो जाती है। डेड हुए प्लांट, मरे हुए प्लांट एवं जंतुओं के टिश्यूज के डीकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिनके द्वारा अनेक ऑर्गेनिक मैटर्स लैंड में संचित हो जाते हैं, भूमि में ये संचित हो जाते हैं। कुछ जो एरोबिक कंडीशन में सूक्ष्म जीवों की डीकम्पोजिशन क्रिया द्वारा इन कार्बनिक पदार्थों से जुड़े हुए कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मुक्त होते हैं। तो इसके अतिरिक्त घरों तथा कारखानों में जलाए जाने वाले ईंधन जैसे कोल, ऑयल, गैस, लकड़ी तथा सड़े गले पदार्थों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होने वाले विघटनों के फलस्वरूप तथा मौसम में परिवर्तन के कारण
बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि वायुमंडल में मिलती रहती है और बाद में पुनः हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण की जाती है। इस प्रकार ये कार्बन साइकिल चलता रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ आता है फॉसिल फ्यूल्स और ये कारखाने के द्वारा और डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में और फिर ये वापस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पास पहुंच जाता है। एनिमल भी रेस्पिरेशन के लिए छोड़ता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है और इस प्रकार यह जो साइकिल है कार्बन साइकिल ये जो है वायुमंडल में चलते रहता है। नेक्स्ट साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन जीवन का पर्याय है, बिना ऑक्सीजन के लाइफ संभव नहीं है। तो जो नेचर है, नेचर में ऑक्सीजन की उपलब्धता का स्रोत ग्रीन पौधे ही होते हैं। प्लांट जो है ये ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के बाई प्रोडक्ट के रूप में इसे विमुक्त करते हैं। विमुक्त मतलब छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ये इधर छोड़ दिए जाते हैं। सभी जो जीवधारी है श्वसन क्रिया ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑल द एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कलेक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अन्य गैसों की तरह ऑक्सीजन भी साइक्लिक मूवमेंट में वायुमंडल में एनिमल में तथा एनिमल से वायुमंडल में आता जाता रहता है। वातावरण में ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में होता है तथा यौगिक के भाग जैसे पानी है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी स्थित रहता है। जीवों के मृत्यु होने पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पानी के रूप में वातावरण में वापस हो जाती है। ऑक्सीजन वायुमंडल की वायु का 21% भाग होता है। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है ऑक्सीजन का चलते रहता है। प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, एनिमल उसको कलेक्ट करता है, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, प्लांट उसको कलेक्ट करता है और जब एनिमल डेथ की हो जाती है तो ये वाटर के थ्रू इधर प्लांट के थ्रू ये जो साइकिल है ऑक्सीजन का चलते रहता है। तो इस प्रकार ये था ऑक्सीजन साइकिल। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन का जो प्रमुख स्रोत है वो है जल, पानी, हाइड्रोजन ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है जिसमें वाटर के विखंडन के कारण ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन बनता है। ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ये ऑक्सीजन बन रहा है तो ये कार्बन मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। यह हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, शर्करा जिसको बोलते हैं शुगर बनाता है। इस प्रकार पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलकर पौधों में पहुंच जाती है जो एनिमल के शरीर का एक भाग बन जाती है। जब एनिमल रेस्पिरेशन करता है, एनिमल क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तब ऑक्सीजन की क्रिया में यह ऑक्सीजन से मिलकर फिर पानी में चेंज हो जाती, परिवर्तित हो जाती है। जो डेड एनिमल्स हैं, मृत जीवों एवं वेस्ट पदार्थों का अपघटन होकर ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, वाटर बनता है जो भूमि में चला जाता है। इस प्रकार नेचर में हाइड्रोजन साइकिल
चलते रहता है। तो ये जो है हाइड्रोजन साइकिल यहाँ से चलता है, ये CO2 फोटोसिंथेसिस लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, इसको रेस्पिरेशन करता है एनिमल और ये CO2 छोड़ देता है। तो इस प्रकार ये जो है हाइड्रोजन का साइकिल चलते रहता है। तो आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पार्ट 1 में गैसियस साइकिल्स का अध्ययन किया, वर्णन किया। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के सेडिमेंट्री साइकिल्स का। आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।